हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट फॉर स्टूडेंट्स। आज बच्चों अपन फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड, केमिस्ट्री का पेपर थर्ड के यूनिट थर्ड में अपन पिछले दो टर्म से पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आज अपन पढ़ते हैं घन के सममिति तत्व। कल पिछले टर्म पे अपन ने सममिति तत्वों के बारे में बात की थी, सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होते हैं हमने बताया था, सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आज अपन बात करते हैं कि घन में किस तरह के सममिति तत्व होते हैं। तो सबसे पहले अपन घन में पहली सममिति तत्व की बात करते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब आयताकार सममिति तत्व कितने हैं। मैंने पहले लिख भी दिया कि ये सममिति तत्व तीन है, लेकिन हम डायग्राम से आपको बताते हैं। पिछले टर्न पे भी मैंने बताया था आपको, ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आयताकार सममिति तत्व कितने हैं। एक बार अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास सपोज ये घन है, इस घन है, इस घन को एक चाकू लेके अगर काटा जाए तो आयताकार सममिति कितने तरह से कट सकता है, मतलब कितने तरह से इसको काटा जा सकता है। सपोज अपन बात करो इसको एक यूं काट दे, इस तरह से काट सकते हैं अपन, ये जैसे एक कटर है तो अपन इसको ऐसे काट सकते हैं, अपन इसको ऐसे काट सकते हैं, अपन इसको ऐसे भी काट सकते हैं। इस तरह से तीन आयत बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊं, आयताकार सममिति कैसे होती है, इस तरह से बात देखो। आप गौर से देखो कि एक एक तल से ये तल है, ये आयताकार सममिति तल है, ये आयताकार का सममिति तल है। क्या मतलब कि ये तल इस पूरे घन को दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है ये सममिति तल। एक आयताकार सममिति तल ये भी है, ये भी आयताकार सममिति तल है, और एक आयताकार सममिति तल ये भी है, ये भी आयताकार सममिति तल है। इस प्रकार कुल एक प्लस एक प्लस एक बराबर तीन आयताकार सममिति तल, हमारे पास आयताकार सममिति तल, आयताकार सममिति तल, सममिति तल कुल तीन हुए, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आयताकार सममिति तल तीन हुए। इसके बाद आते हैं विकर्ण सममिति तल, विकर्ण विकर्ण सममिति तल, मिति तल ये कितने हैं बताते हैं आपको। विकर्ण का मतलब एक दूसरे से डायगोनली, इस तरह से एक भुजा ये, एक भुजा ये, ये सममिति तल है, ये विकर्ण सममिति तल हुआ एक। इसी तरह से अगर उल्टा काटा तो ये भी एक तरह से विकर्ण सममिति तल है। इस तरह से हम विकर्ण सममिति तल कितने बना सकते हैं, मैं आपको अगर अंदाज बताऊं तो मैं एक घन बनाने की कोशिश करता हूं। एक घन अपन बनाते हैं, सबसे पहले अपन एक घन बनाते हैं, उसमें विकर्ण सममिति तलों को गिनने की कोशिश करते हैं। देखिए एक घन बनाया हमने, सपोज करो हमारे पास घन है, तो घन में भुजाएं, अंग्रेजी में कहते हैं कोर, कोर कितनी है उसको बताने की कोशिश करते हैं। कोर कितनी है, कोर मतलब भुजाएं कितनी है, तो चार तो ये बन गई और ये चार, आठ, आठ कोर तो दिख रही है, और इस तरह से इसको जोड़ा, इस तरह से जोड़ा तो आठ और चार हमारे पास कुल बारह कोर, मतलब किनारियां हैं इस घन की, इस क्यूब के कोर बारह कोर है इसके कोर। इसमें अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें कोर है बारह, बारह मतलब भुजाएं, बारह बारह भुजाएं, चार और चार, आठ और चार, बारह भुजाएं। एक हमने इस तरह से काटा, एक हमने इस तरह से काटा, इसमें और भी इसको विकर्ण तक काटा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे विकर्ण तक काटा जा सकता है, आप गौर से देखो, एक विकर्ण ऐसा भी बन सकता है, एक हमने इसमें एक विकर्ण बनाने की कोशिश की, ये मैं एक नया विकर्ण बनाता हूं, ये इस तरह से एक भुजा, एक हम इसको ऐसे काटे और फिर देखिए ये एक एक तल, एक तल बन जाता है, एक तल बन गया, ये विकर्ण तल बन गया, इस तरह से एक तल बन गया, एक तल ये बन गया, ये विकर्ण, इस तरह से आगे की ये भुजा और पीछे की वो भुजा लेके एक तल बन सकता है, एक इधर की एक भुजा और एक भुजा ऐसे लेके तल बन सकता है, एक एक ऊपर की ये भुजा एक इस साइड की भुजा को लेके तल बन सकता है, पीछे आगे और पीछे वाली तो बना ही बनाई। इस मिला के अगर हमारे पास कुल मिला के कोर 12 है और प्रत्येक विकर्ण तल में दो कोर काम आती है, तो कुल मिला के हमारे पास छह विकर्ण तल बन सकते हैं, विकर्ण तल छह बन सकते हैं, जो मैंने लिख दिया कि छह विकर्ण तल है। दो ये बताया मैंने आपको, एक ये बताया, इस तरह से अपन
छह विकर्ण तल इसके अंदर से इस प्रकार अपन बना सकते हैं। तो हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री तीन तो आयताकार होगी और दो छह विकर्ण होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अपन बात करते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सममिति का अक्ष। मैं आपको समझाऊं, सममिति का अक्ष, अक्ष अक्ष कैसे निकालते हैं सममिति का अक्ष, मैं आपको बताऊं कि अक्ष को बताते सी एन से, और जहां पर एन बराबर होता है 360 ओवर थीटा। थीटा अगर मैं, ये घन है, इस घन से अगर अपन रोटेट करें, घन चूंकि है तो हमने रोटेट थीटा बराबर इसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करता हूं तो तुल्य संरचना आती है। 90 डिग्री से ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया, इस तरह से अगर मैं बात बताऊं कि थीटा डिग्री से अगर ये है ना, ये और ये अक्ष है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ये अक्ष जो इसके ऊपर से नीचे जा रहा है। अब इसको 90 डिग्री से रोटेट करें, 90 डिग्री से रोटेट करें तो तुल्य संरचना आती है। प्रत्येक 90 डिग्री पर इसे इसमें तुल्य संरचना आती है। तो 90 डिग्री से तुल्य संरचना आती है, इसलिए इसको C4 क्यों कहा, कि फॉर्मूले में हमारे इसका 4 बनता है। 4 कैसे बनता है मैं आपको बताऊं, n बराबर 360 ओवर 90 बराबर 4, इसका मतलब C4। ये फोर फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, फोर फोल्ड मतलब इसको चार बार घुमा सकते हैं। ऐसे कितने अक्ष हो सकते हैं, सपोज ये z एक्सेस है तो एक एक्सेस ये रहा, इस कोने से इस कोने में निकलता है। सपोज करो कि ये x एक्सेस है और एक अंदर से बाहर निकलने वाला एक्सेस, ये y एक्सेस है, अंदर से बाहर निकलने वाला एक्सेस। तो ये तीन तरह के एक्सेस ऐसे हैं जो फोर फोल्ड एक्सेस है। फोर फोल्ड का मतलब 90 डिग्री से रोटेट करें तो तुल्य विन्यास आता है। इसको फोर फोल्ड इसको बोलते हैं चतुर्गुणित गुणित सममिति अक्ष, सममिति अक्ष, इनकी संख्या तीन हुई। आगे बात करते हैं चतुर्गुणित इनकी संख्या के बाद थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इस पूरे घन में कोने, कोने मतलब कॉर्नर्स है, चार और चार आठ, आठ कोने, आप गौर से देखो आठ कोने। किसी भी विकर्ण तल दो कोने को यहां से पकड़े, इस कोने को और इसको यहां से, विकर्ण तल दो कोने को, एक आगे कोना एक पीछे वाला, इससे अगर इसको थीटा बराबर 120 डिग्री से रोटेट करें, जैसे मैं अगर आपको बात बताऊं, वापस बात बताता हूं कि जैसे सपोज अपने पास घन है और हमने एक अक्ष लिया इस कोने और इस कोने से, इस कोने और इस कोने से, इसको आप एक बार रोटेट करो, एक दूसरी बार रोटेट किया, एक तीसरी बार रोटेट करने से वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इसका मतलब आपने तीन बार रोटेट करने से आया, तो एक बार हम मैंने इसको रोटेट किया 120 डिग्री से, तभी तो तीन बार रोटेट करने से अपनी जगह पे आ गया। तो सपोज करो मैंने इसको थीटा डिग्री 120 डिग्री से रोटेट किया, तो एन इक्वल टू 360 ओवर 120 बराबर 3, देयरफॉर C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, C3 का मतलब थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, त्रिगुणित गुणित इसमें सममिति अक्ष है, अक्ष है। और ऐसे सममिति अक्ष कितने हैं, इसमें ऐसे सममिति अक्ष इसमें कुल चार है। चार क्यों है, क्योंकि आठ कोने हैं, हर दो कोनों से एक अक्ष निकलता है, इसलिए इस तरह के C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री टोटल चार है, चार थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आगे बात करते हैं को और समझते हैं, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये कितने हैं। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर अपन थीटा बराबर 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो एन की वैल्यू आती है 360 ओवर 120 बराबर 2, देयरफॉर C2 द्विगुणित गुणित सममिति अक्ष इसके अंदर उपस्थित, द्विगुणित सममिति अक्ष इसके अंदर उपस्थित है। ये कितना हो सकता है सममिति अक्ष, सपोज वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये घन है, इसकी कोर टोटल किनारी 12 है। अब एक किनारी ये और एक किनारी ये, इसके बीच में से इसको रोटेट करें तो 180 से रोटेट किया तो वापस वही विन्यास आया, 180 से रोटेट किया तो वापस वही विन्यास आया। ये एक दो कोर ली, इसी तरह से अपन ये दो कोर ले सकते हैं, कोई सी भी दो कोर, ये दो कोर ले सकते हैं, आपने सामने वाली दो कोर ले सकते हैं, तो टोटल हमारे पास कोर 12 है। तो इस तरह से द्विगुणित सममिति अक्ष 12 के आधे 6 होंगे। तो इस तरह से इसमें, इस तरह से
180 बस सी टू हो गया, ये सी टू एक्सेस है, सी टू रोटेट एक्सेस है। इस तरह से यहां से होते हुए यहां से गुजर सकता है एक एक्सेस, एक गुजर यहां से यहां गुजरा जा सकता है, गुजर सकता है यहां और यहां से गुजर सकता है एक एक्सेस, एक एक्सेस इस पीछे वाले से आगे वाले से गुजर सकता है, इस तरह से गुजर सकता है पीछे वाले से आगे वाले होके, एक एक्सेस यहां से इधर होके गुजर सकता है, इस तरह से गुजर सकता है, से ऐसे गुजर सकता है। इस तरह से कुल मिलाकर यहां पर छह द्विगुणित गुणित सममिति अक्ष हो सकते हैं, टू फोल्ड एक्सेस और सिमेट्री हो सकती है। इस तरह से टोटल जो सममिति अक्ष है वो छह और चार दस और तीन 13, कुल सममिति अक्ष 13 है। अब अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं सममिति का केंद्र, सममिति का केंद्र। बहुत सरल बात है, सममिति का केंद्र हमेशा सेंटर पॉइंट पे होता है, आई आई कहलाते हैं सममिति का केंद्र, ये केंद्र है, ये सममिति का केंद्र। इससे अगर अपन समान दूरी पे जाए तो इसके कोनों पे समान घन के समान परमाणु मिलते हैं, इसका मतलब सममिति केंद्र उपस्थित है, उपस्थित है सममिति केंद्र। और कितना है, संख्या में एक है, सममिति केंद्र हमेशा एक ही होता है। इस प्रकार अगर अपन सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्रों को सभी को एक जगह पर मिलाने की बात करें तो हमारे पास सममिति के तल कुल मिला के ये तीन सममिति के तल आयताकार है और ये छह है विकर्ण वाले, विकर्ण सममिति वाले, ये आयताकार, आयताकार सममिति के तल है, तो कुल मिला के 9 सममिति के तल हुए। सममिति के अक्षों की बात करें तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 है, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 है और 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 है। कुल मिला के सममिति के अक्ष 13 है और सममिति का केंद्र 1 है। इसका मतलब घन में, घन में कुल सममिति के जो तत्व है वो कुल 23 सममिति के तत्व एक घनीय जालक में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के सारे घनीय जालक अगर हैं अपने पास तो उसमें सभी में 23 सममिति के तत्व उपस्थित है। अगली बात करते हैं लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल विज्ञान के नियम, बहुत सरल आसान आसान से नियम है। आज मैं आपको पहला नियम बताता, अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। ये यूं कहता है कि एक ही पदार्थ के क्रिस्टलों की आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है जो कि उनके फलकों के आकार और संख्या पर निर्भर करती है, लेकिन उनके अंतराफलक के मध्य कोणों कोण हमेशा स्थिर होता है। क्या मतलब, ये यूं कहता है, अभी हमने जो पढ़ा उसके आधार पर अगर मैं बता दूं कि सपोज अपन ने घनीय क्रिस्टल पढ़ा, तीन अलग अलग पदार्थ है जिनके आकार अलग अलग, सपोज करो किसी का घन छोटे आकार का, किसी का घन बड़े आकार का, किसी का घन और बड़े आकार का, लेकिन है तो घनीय, लेकिन चूंकि सभी घनीय है इसलिए सभी के अंदर अंतराफलक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल दिया, जैसे ये एक षटकोण की बात थी, षटकोण ये बड़े आकार का फलक है, इससे छोटे आकार का फलक है, इससे छोटे आकार का फलक है, फलक चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो इन सभी के जो फलकों के मध्य का जो कोण आता है वो कोण हमेशा स्थिर होता है, स्थिर होगा, एक एक जैसा कोण स्थिर होगा, कोण स्थिर होगा, ये अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। एक और एक नियम और बता दें आपको, ये है सममिति की स्थिरता का नियम। सममिति की स्थिरता का नियम का क्या मतलब होता है, सममिति की स्थिरता का यह मतलब है कि एक ही पदार्थ के सभी तत्वों की सममिति समान होती है, अर्थात अगर अपन घन ले रहे तो एक ही पदार्थ के क्रिस्टल, चाहे क्रिस्टल छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें अगर वो सारे घन है तो सभी के अंदर सममिति तत्व समान होंगे, अर्थात अगर घन है तो इसमें सममिति तत्व 23 होंगे। इस तरह से आज हमने कुछ लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी की बात की और हमने शुरू से घनीय क्रिस्टलों के में सममिति तत्वों के बारे में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि टोटल सममिति के तत्व घनीय क्रिस्टल में 23 है, इसमें सममिति के तल, सममिति का अक्ष और सममिति का केंद्र मिलाकर अगर अपन ने सभी जोड़ दिए तो ये संख्या टोटल 23 आती है। ये कैसे 23 आई मैं आपको बताऊं, 23 इसलिए आई 3 + 6 + 3 + 4 + 6 + 1 = 23। इस तरह से 23 सममिति के तत्व घन में उपस्थित है,
गण में उपस्थित होते हैं।